हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा सैनी डिज़ाइनर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूं जो आपकी सिलाई के काम करने के तरीके को बहुत ही आसान बना देगा और आप घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि तिरछे और टेढ़े मेढ़े कपड़े को बिना स्केल्प की हेल्प के भी हम कपड़े को सीधा कट कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए बिना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, मैंने एक ये कपड़ा लिया है, ये दिख रहा होगा कि आपको ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है। तो आज हम बिना स्केल की हेल्प के भी हम इस कपड़े को एकदम सीधा कट करेंगे। तो देखिए आप किस तरह से इसको कट करना है और आपको करना क्या होगा इसके लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से रखेंगे और ये जो कपड़ा आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से ये तिरछा है, इस साइड से भी और यहाँ से भी तिरछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे एक कट लगाएंगे, सीधा सा कट लगा देंगे। ये दिख रहा होगा आपको एक कट। अब यहाँ से जो आपको ये धागे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे जैसे, तो आपको क्या करना है, एक धागे को यानी एक रेशे को इसको पकड़ना है और कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको खींचना है। इसको आपको पूरा खींच लेना है इस तरह से। तो इस धागे को निकालने के बाद में आपको दिख रही होगी कि इसमें एक ये लाइन सी इसमें बन गई है, जो कि ये इसलिए बन गई क्योंकि इसमें से हमने एक धागे का एक रेशा निकाल दिया है, जिसकी वजह से इसमें एक लाइन सी ड्रॉ हो गई है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला जो आपको शेप दिख रहा है, ये हमारे कपड़े का तिरछा वाला पार्ट है। यानी हमें पता कैसे करना है कि हमारा कपड़ा तिरछा है, ये किस जगह से हमें कट लगाना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कपड़ा यहाँ से सीधा होगा। अगर ये यहाँ से बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता, यानी यहाँ से इसकी गहराई ज़्यादा होती, तो हम क्या करते, यहाँ से एक रेशा निकाल के और उसको खींच लेते। तो उसके बाद में जितनी भी इसकी ये तिरछापन होता है या इसकी जो आप बोल सकते इसमें जो कान होती है वो बिल्कुल निकल जाती है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन से हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब आपको दिख रही होगी कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, वो भी हमने बिना स्केल की हेल्प से इसको कट किया है। अब आप इसको स्केल से नाप के देख सकते हैं कि कपड़ा हमारा सीधा हुआ है या नहीं। आप यहाँ से स्केल को रखिएगा, दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए आप देख सकते हैं कि कपड़ा बिल्कुल सीधा कट हुआ है, वो भी बिना स्केल की हेल्प से। हमने जब इसको कट किया था तब हमने स्केल की हेल्प नहीं ली थी, इसमें स्केल का यूज़ नहीं किया था, बस धागे को खींच के इसको एक रेशा निकाल के और इसको कट किया था। तो ये जो कपड़ा है हमारा इस साइड से सीधा हो चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको सीधा करेंगे। ये जो कपड़ा है वो हमारा ट्रायंगल शेप में है, यानी तिरछा वाला कपड़ा है, हम इसको निकाल देंगे अभी कट करके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे और यहाँ से एक धागा खींचेंगे। हम दूसरी साइड से भी हम इसको सेम प्रोसेस से इसको धागे को खींच के और एक लाइन बना लेंगे। ये देखिए आपको ये लाइन दिख रही होगी कपड़े में। अब हम कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए कपड़ा बिल्कुल सीधा कट हो चुका है। अब आपको मतलब कि छोटी पट्टी काटनी हो, जैसे बेल्ट के लिए हो या फ्रिंज के लिए हो, जैसे आपको 3 इंच की यहाँ पे पट्टी कट करनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको सब जगह पे यहाँ पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक निशान लगाना होगा जितने भी इंच की आपको पट्टी कट करनी है। जैसे 3 इंच होगी, 4 इंच होगी, 2.5 इंच की होगी, तो मैं यहाँ पे एक 3 इंच की पट्टी कट कर रही हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं पेन से, इस निशान से मैं कट लगाऊंगी और इस कट से धागे को खींच लूंगी। तो आप देखिएगा कि जितना निशान मैंने यहाँ पे 3 इंच पर लगाया था, ये पूरी पट्टी 3 इंच की ही बनेगी। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन बन गई है। अब हम कपड़े को नाप के देखेंगे कि हमारी जो ये पट्टी है, हमने यहाँ से इसको नापा था तब ये 3 इंच की थी, तो यहाँ से भी ये 3 इंच की है और यहाँ से भी ये 3 इंच की है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंच टेप को यहाँ रखेंगे तो देखेंगे कि ये यहाँ पे 3 इंच की आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक बार बीच में भी रखेंगे इसको, तो यहाँ पर ये 3 इंच आ रहा है और यहाँ पर भी ये अपना 3 इंच आ रहा है। यानी ये जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल सीधी है, एकदम एंगल के शेप की है। जैसे एंगल का शेप होता है बिल्कुल सीधा, उसी तरीके से हमारी ये लाइन बिल्कुल सीधी बनी है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आगे जैसे आपको और भी छोटी पट्टी बनानी हो या बड़ी पट्टी बनानी हो, तो आप इसमें इसी तरीके से यहाँ से एक धागे को, यानी कि नाप का पहले आप इसमें नाप लगा लें, जितना भी आपको कट करना है
जितने भी इंच की आपकी आपको पट्टी कट करनी है उतना आप एक निशान लगा ले, उस निशान से आप एक छोटा कट लगाए, उसके बाद में धागे को वहाँ से खींच दे तो बिल्कुल ही इसमें सीधी पट्टी बनेगी आपकी। तो आप इसमें जितना भी लंबा कपड़ा हो, जैसे 4 मीटर का हो, 2 मीटर का हो, 1 मीटर का हो, आप इसको सभी कपड़े में सभी लंबाई के शेप में आप इसको बना सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों के लिए आज ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जो तरीका मैंने आपको बताया है आप भी एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और ट्राई करने के बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये यूज़फुल आपके लिए रहा है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।